मानसूनी मार फिर बारिश धुआंधार। राजधानी लखनऊ में बीती रात से ही तेज बारिश हो रही है। सुबह 8 बजे ये बारिश रुकी थी, लेकिन 11:30 बजे फिर से राजधानी लखनऊ में बारिश शुरू हो गई है। रात भर हुई बारिश ने इस सीजन में बारिश के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। घरों में तालाब, सड़कों पर सैलाब। ट्रैफिक को रोक दिया गया है, ट्रैफिक को दूसरी ओर डाइवर्ट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं जितने लोग इस वक्त हाई कोर्ट की ओर जाना है या विभूति खंड की ओर जिनको भी जाना है, पॉलिटेक्निक चौराहे की ओर जिनको भी जाना है, उनको थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जिंदगी हैरान, सैलाब से परेशान। गोमती नगर के साथ साथ इंदिरा नगर, आशियाना, विकास नगर और इसके अलावा सेक्टर ओ कॉलोनी में भी इसी तरह के जलभराव देखने को मिल रहे हैं। हालांकि नगर निगम लगातार इस तरह के दावे करता रहा है कि बारिश से पहले तमाम चीजों को बेहतर कर लिया जाएगा। बारिश का बवंडर, शहरों का सरेंडर। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में महज एक रात की बारिश ने प्रशासनिक दावों की कलई खोल कर रख दी है। लखनऊ से लेकर फिरोजाबाद, बाराबंकी से लेकर बहराइच तक हर जिला सैलाबी चपेट में दिखाई दिया है। सड़कों तक जलभराव और घरों तक पहुंचे पानी ने साफ कर दिया है कि कैसे बारिश का एक तेज झटका इंतजामों के दावों को बहा ले गया। इन 5 तस्वीरों में आप उत्तर प्रदेश की बदहाली और बारिश का बवंडर देख सकते हैं, साथ ही बड़े शहरों का सिलेंडर देख सकते हैं। लखनऊ में कई पॉश कॉलोनी पानी में डूबी दिखी, तो वहीं बाराबंकी में कई परिवार पानी के बीच फंसे दिखे। हालांकि फायर सर्विस के जवानों ने वक्त रहते उन्हें बचा लिया, लेकिन उनके अंदर का डर अभी लंबे वक्त तक दूर नहीं होगा। इसके अलावा बहराइच, कासगंज और मुरादाबाद के भी हाल आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं राजधानी लखनऊ के हाल कि आखिर कैसे कुछ घंटों की बारिश ने ही लखनऊ की न सिर्फ रफ्तार को रोक दिया बल्कि पॉश इलाकों से लेकर आम कॉलोनियों तक एक जैसी ही तस्वीर दिखाई दी। तस्वीर क्या, हर तरफ बहता पानी ही दिखाई दिया और पानी में फंसी गाड़ियां और हैरान हलकान राजधानी के लोग। रविवार रात को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बादलों का मिजाज बदला और कड़कती बिजली के साथ मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। देर रात शुरू हुई बारिश रात भर में राजधानी लखनऊ की सूरत बदलकर रख दी। सुबह के वक्त लोगों ने अपने घरों के अंदर पानी भरा देखा, उस पानी से निजात के लिए घरों के दरवाजे खोले तो सड़क पर भी सैलाब सरीखा हाल था। राजधानी में गाड़ियों और जिंदगी दोनों की हालत धक्का मार हो चुकी थी। देर रात से हो रही बारिश के चलते राजधानी लखनऊ के कई इलाकों में पानी भर गया है। हम इस वक्त राजधानी लखनऊ के सबसे पॉश इलाके हजरतगंज के पास महाराणा प्रताप मार्ग पर हैं। आप देख सकते हैं सड़क पर किस तरह से पानी भर गया है। बीती रात से राजधानी लखनऊ में रिकॉर्ड बारिश हुई है, इस सीजन की सबसे ज्यादा बारिश हुई है। पिछले सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। रात भर में ही 93.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है राजधानी लखनऊ में। हालांकि सुबह 8 बजे बारिश रुक गई थी, लेकिन करीब 11:30 बजे के बाद से राजधानी लखनऊ में फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं ट्रैफिक काफी प्रभावित हुआ है। जो यहां पर आम जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है। प्रशासन की ओर से सभी स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा कर दी गई है। खुद डीएम कमिश्नर सड़क पर उतर चुके हैं। जगह जगह जल भराव से निपटने के जितने भी कारगर उपाय हैं उनको अपनाया जा रहा है। हम इस वक्त राजधानी लखनऊ के लोहिया पथ पर हैं। राजधानी लखनऊ में 3 बजे रात से हो रही बारिश के बाद हालात का जायजा लेने के लिए न्यूज 18 की टीम लखनऊ के पॉश इलाकों में निकली। ये लखनऊ के पॉश इलाका
इंदिरा नगर है। इंदिरा नगर में साफ तौर से आप देखें कि किस तरह से बारिश खत्म होने के करीब 6 घंटे के बाद भी जल भराव की स्थिति बनी हुई है। बारिश के चलते विभूति खंड फ्लाईओवर पर पानी भर गया, ऐसा बताया जा रहा है। कई बाइक सवार वहां पर चुटहिल भी हुए हैं, जिसके चलते प्रशासन की ओर से यहां पर इस पुल पर चढ़ने पर रोक लगा दी गई है। यहां पर ट्रैफिक पुलिस विभाग के लोग तैनात हो गए हैं, होमगार्ड यहां पर तैनात हो गए हैं। यहां से ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया है। यहां पर ऑप्शन में चूंकि एक पुल है, लिहाजा उधर से लोग जा रहे हैं, लेकिन किसी को विभूति खंड जाना है तो उसको थोड़ी मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ेगा। ये तमाम तस्वीरें जो आपने देखी वो राजधानी लखनऊ सुबह सवेरे लोगों की परेशानी को बयां करने के लिए काफी हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हुई, लेकिन लखनऊ में तो बारिश ने पूरे सीजन का रिकॉर्ड ही तोड़ डाला। रात भर में लखनऊ में करीब 99 मीटर बारिश हुई। बीती रात से राजधानी लखनऊ में रिकॉर्ड बारिश हुई है, इस सीजन की सबसे ज्यादा बारिश हुई है। पिछले सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। रात भर में ही 93.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है राजधानी लखनऊ में। हालांकि सुबह 8 बजे बारिश रुक गई थी, लेकिन करीब 11:30 बजे के बाद से राजधानी लखनऊ में फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं ट्रैफिक काफी प्रभावित हुआ है। जो यहां पर आम जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है। प्रशासन की ओर से सभी स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा कर दी गई है। सुबह 3 बजे के आसपास शुरू हुई बारिश ने न सिर्फ निगम के दावों की पोल खोल दी, बल्कि एलडीए कॉलोनी आशियाना, जानकीपुरम, गोमती नगर, विकास नगर और इंदिरा नगर जैसी पॉश कॉलोनियों की सिर्फ सड़कें ही सैलाब नहीं बनी दिखाई दी, बल्कि इन कॉलोनियों में मौजूद घरों के अंदर तक पानी भर गया। हालांकि राजधानी में आसमानी आफत पर अलर्ट जारी हुआ तो प्रशासनिक अधिकारी भी एक्टिव दिखाई दिए। कमिश्नर रोशन जैकब और डीएम सूर्यपाल गंगवार भी निरीक्षण पर निकले और हालात का जायजा लिया। लखनऊ में कल रात से काफी तेज बारिश भी हो रही है, बिजली भी कड़क रही है। ये थंडरिंग के साथ जब बारिश होती है तो हमें विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। हमारे राजस्व विभाग की टीम, नगर निगम की टीम, वो अर्ली मॉर्निंग में 4-5 बजे से ही फील्ड में है कि जनता को कोई असुविधा ना हो, ये देखने की कोशिश हो रही है। लखनऊ में बारिश की वजह से न सिर्फ ट्रैफिक जाम दिखाई दिया, बल्कि सुबह के वक्त सड़कों पर भरे पानी के बीच से लोग गुजरते दिखे। गाड़ियां पानी में डूबी रही और सरकारी दफ्तरों के परिसर भी जलभराव की चपेट में दिखे। न्यूज 18 की टीम लखनऊ के पॉश इलाकों में निकली। ये लखनऊ के पॉश इलाका इंदिरा नगर है। इंदिरा नगर में साफ तौर से आप देखें कि किस तरह से बारिश खत्म होने के करीब 6 घंटे के बाद भी जलभराव की स्थिति बनी हुई है। कमोबेश राजधानी लखनऊ के सभी पॉश इलाकों यानी गोमती नगर के साथ साथ इंदिरा नगर, आशियाना, विकास नगर और इसके अलावा सेक्टर ओ कॉलोनी में भी इसी तरह के जलभराव देखने को मिल रहे हैं। हालांकि नगर निगम लगातार इस तरह के दावे करता रहा है कि बारिश से पहले तमाम चीजों को बेहतर कर लिया जाएगा, लेकिन ठीक मेरे पीछे दूर तक आप हालात जब देखेंगे तो आपको अपने आप इस बात का अंदेशा हो जाएगा कि किस तरह से सड़कें तालाब नुमा बनी हुई हैं। कई दिनों पहले से बारिश को लेकर अलर्ट था, स्थानीय अफसरों तक भी अलर्ट जरूर गया होगा, लेकिन जब लखनऊ के लोग घुटनों से ऊपर तक पानी में डूबी सड़कों पर जूझने लगे तब अफसरों ने स्थिति को संभालने की तैयारी शुरू की। हालांकि मुसीबत अभी टली नहीं है। मौसम विभाग ने 24 घंटों का रेड अलर्ट जारी किया है। साफ है कि बेवक्त बेमौसम बारिश का यह अटैक सितंबर में अभी और सताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। लखनऊ की तस्वीरें आपने देखी, अब आपको उत्तर प्रदेश के 10 और शहरों का हाल दिखाते हैं कि आखिर कैसे महज कुछ घंटों की बारिश ने न सिर्फ निगमों के दावों की कलई खोल दी, बल्कि सितंबर में आसमान से बरसती आफत ने कितना बवंडर मचाया है। उत्तर प्रदेश में सितंबर में बारिश का सितम बता रहा है कि मौसम कितना अप्रत्याशित हो चुका है। रात भर कई जिलों में जमकर बारिश होती रही और यूपी के कई शहरों ने आसमानी आफत के सामने सरेंडर कर दिया। कहीं सड़कों पर बारिश का बवंडर दिखा तो कहीं आशियाने जलमग्न हो गए। जिंदगी हलकान और परेशान सी कुदरत की इस आफत और प्रशासन की इस लापरवाही को देखती रह गई। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की,
वैसे तो बाराबंकी यूपी के प्रमुख शहरों में शुमार है। लेकिन आज बारिश ने यहां कुछ ऐसा बवंडर मचाया कि पूरा शहर सरेंडर करता दिखा। रेलवे स्टेशन से लेकर रेलवे ट्रैक तक पानी में डूब गए। बारिश के पानी ने कुछ ऐसा तांडव मचाया कि गलियों और सड़कों को गायब ही कर दिया। घंटाघर इलाके के दर्जनों घरों के परिवार ऐसे टापू में फंस गए जहां उनकी जिंदगी खतरे में हो। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने खबर मिलते ही फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे मूसलाधार बारिश में फायर सर्विस का ये जवान एक नन्हे से बच्चे को अपनी छाती पर बांधकर रेस्क्यू कर रहा है। ऐसे ही इस टीम ने पूरे इलाके से 8 लोगों को बवंडर के स्टापू से बाहर निकाला। ऐसा ही कुछ हाल दिखाई दिया पीलीभीत में। यहाँ कई गांव भारी बारिश की चपेट में आए और रात भर की बारिश ने पूरे इलाके की तस्वीर बदल कर रख दी। खेत खलिहान लबालब पानी से भर गए। घरों के अंदर कई फीट जल भराव हो गया और मौसम के इस मार से आम इंसान महज कराहता रहा। उधर कानपुर में रात भर हुई बारिश ने पिछले 20 साल का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। कानपुर में करीब 75 मिलीमीटर बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए। शहर में लोगों को न सिर्फ पानी से भरी सड़कों पर आवाजाही में दिक्कत हुई बल्कि घरों के अंदर तक पानी भरता दिखाई दिया। बरसात ने अपने सारे रिकॉर्डों को तोड़ दिया है। हालांकि सावन समाप्त हो चुका और भादो शुरू हो चुके हैं, मगर जिस प्रकार से कल से रुक रुक के हो रही बारिश ने अधिकारियों के दावों की पोल खोल दी, वहीं तो सारे रिकॉर्ड भी बीट हो चुके हैं। 74 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है और अगर विभाग की माने तो अभी बारिश और होने सक। न्यूज 18 टीम ग्राउंड जीरो पर देख रही है, जहां तक कैमरे की नजर आ रही पानी पानी और पानी जल भराव बना हुआ है। कासगंज के हाल तो और भी बुरे हैं। यहाँ पिछले 3 दिनों से बारिश ने बवाल मचा रखा है। शहर की सड़कों पर कई फीट तक भरे पानी से गुजरने को लोग मजबूर हैं। तो मकानों और दुकानों के अंदर भरे पानी ने आम आदमी पर डबल चोट पहुंचाई। मुख्य बाजार से लेकर शहर के बाहरी इलाकों तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई पड़ रहा है। उधर मुजफ्फरनगर के जानसठ में एक गाँव में बारिश की वजह से कच्चा मकान ढह गया। इस हादसे में माँ बेटी की दबने से एक साथ मौत हो गई। बारिश ने ऐसा कहर ढाया कि गरीब परिवार दोहरी मौत की मार से तड़प उठा। हालांकि प्रशासन ने पीड़ित परिवार को मदद देने का भरोसा दिया। कल रात में एक मकान की जो बरांडा होता है उसकी छत गिर गई थी, उसमें माँ बेटी दब गई थी, जिसमें जो बेटी है जिनका नाम दीपिका है उनकी 28 वर्ष आयु है, तो उनकी मृत्यु हो गई है। ऐसी तस्वीरें पीतल नगरी मुरादाबाद में दिखाई दी। निगम के दावों की पोल खुल गई और सड़कों पर भरे लबालब पानी ने व्यवस्था की चुगली कर दी। घुटने से ऊपर भरे पानी से गुजरते लोग और सड़कों पर जल सैलाब में फंसे वाहनों ने साफ कर दिया कि रात भर की बारिश के सामने इस शहर ने भी सरेंडर कर दिया। उधर कन्नौज में 2 दिनों से बारिश ने बवंडर के हालात पैदा कर दिए हैं। जल भराव की दिक्कत के अलावा यहाँ कई हादसों की भी खबरें हैं। 2 दिन के अंदर कई मकान भरभरा कर गिर चुके हैं और कईयों को नुकसान पहुंचा है। ग्रामीण इलाकों में भारी बारिश से फसलें तबाह हो गई हैं और घरों के अंदर भरे पानी ने लोगों की जिंदगी हलकान कर दी है। मकान कच्चा था, इनका पक्के बगल मकान पूरा फैल गया, ऊपर बच्चे बैठे थे, बच्चों दोनों दब गए। उधर बहराइच में बीती रात से हो रही मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में भारी जल भराव है। मेडिकल कॉलेज के परिसर में भी 2 फीट से ज्यादा पानी भरा दिखाई दिया, जिसकी वजह से इलाज के लिए आए मरीजों को पहले मानसूनी आफत का सामना करना पड़ा। हम इस वक्त मेडिकल कॉलेज के परिसर में खड़े हुए हैं बहराइच में। आप देख सकते हैं किस तरीके से परिसर में पानी भरा हुआ है, कई फीट पानी भरा हुआ है। आप देख सकते हैं मोटरसाइकिल यहां डूबी हुई नजर आ रही हैं। ऐसा ही कुछ बेहाल नज़ारा दिखा सुहाग नगरी कहे जाने वाले फिरोजाबाद में।
यहां कई इलाकों में बारिश के बाद घुटनों से ऊपर पानी भरा दिखाई दिया। जल भराव से परेशान लोग सड़कों पर भरे पानी के बीच से ही गुजरने को मजबूर दिखाई दिए। उधर इटावा में भारी बारिश की वजह से नेशनल हाईवे 19 पर स्लैब टूट गई। एक साथ 8 स्लैब टूटने की वजह से हाईवे से मिट्टी का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। हालांकि आनन फानन में अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर अस्थायी पैच वर्क कर इसे दुरुस्त किया। आफत अभी टली नहीं है। अभी यूपी में मौसम विभाग ने 6 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया। गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर, सीतापुर और बाराबंकी के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है और 13 सितंबर तक भारी बारिश की आशंका जाहिर की गई है। ऐसे में अब जरूरी है कि वक्त रहते इन जिलों में इंतजाम किए जाएं ताकि लोग हलकान परेशान जूझते न दिखाई दें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और आइए अब आपको दिखाते हैं हांगकांग की तस्वीरें। हांगकांग में 140 साल का बारिश का रिकॉर्ड टूट गया है। ऐसी मूसलाधार बारिश हुई है कि सड़कें नदियों में तब्दील हो गईं, कारें पानी में बह गईं और जो जहां था बस वहीं फंस कर रह गया। देखिए हमारी रिपोर्ट। क्या आपने ऐसी बाढ़ पहले कभी देखी है? ऐसा लग रहा है मानो सड़कों पर सुनामी आ गई हो। जहाँ देखो वहाँ हर तरफ पानी ही पानी, पानी की धार भी ऐसी कि जो रास्ते में आया वो बह गया। ये तस्वीरें हांगकांग की हैं। यहाँ टूट गया है 140 साल का रिकॉर्ड। 140 साल बाद सबसे भारी बारिश के कारण पूरे हांगकांग में सड़कें, शॉपिंग मॉल और मेट्रो स्टेशन पानी में डूब गए हैं। देखिए हांगकांग में सड़कों का क्या हाल है। यहाँ मानो सड़कों पर नदियाँ बह रही हैं। हांगकांग में ये आलम है कि मेट्रो स्टेशन पानी में डूब चुके हैं। जो गाड़ियाँ लेकर सड़कों पर निकले थे वे बारिश के पानी में फंस चुके हैं। अधिकारियों ने बाढ़ और बारिश की वजह से स्कूलों को बंद कर दिया है। लोगों से कहा गया है कि वो तुरंत सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। शहर के अलग अलग हिस्सों में घुटनों तक पानी भरा हुआ है। 75 लाख की आबादी वाला ये शहर बिल्कुल ठप हो चुका है। देखिए किस तरह खिलौने की तरह पानी में गाड़ियां बह रही हैं। पानी की रफ्तार के सामने जो आया वो बह गया। शहर के निचले इलाकों में फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। जो लोग गाड़ियों में फंसे थे उनका भी रेस्क्यू कर लिया गया है। रुक रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।